नमस्कार, अमृत पर्यावरण महोत्सव 2024 हरियाणा राजस्थान, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, 7 अगस्त 2024 को यहाँ राज्य के समस्त राजकीय गैर राजकीय सभी विद्यालयों द्वारा जो पौधारोपण किए गए हैं उनको जियो टैगिंग करना है। और इसके साथ ही इसकी एंट्री कल 7 अगस्त 2024 को 4 बजे तक यहाँ ऑनलाइन दर्ज करनी है और शाला दर्पण पर भी एंट्री करनी है। इसके लिए यहाँ विद्यालय लॉगिन से इस प्रकार का प्रारूप आपके सामने आएगा। पहले ये प्रोग्राम 8 अगस्त को किया जाना था, अब हरियाली तीज के अवसर पर कल ही यानी 7 अगस्त को किया जा रहा है, जहाँ आपके विद्यालय का नाम आएगा, विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थी द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या देनी है, कुल कार्मिक कितनी है, उनके द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्मिकों की संख्या है, टैगिंग कितने किए गए हैं वो आपको बताना है, वृक्षारोपण का स्थान क्या है वो आपको बताना है, और कार्यालय लॉगिन से इस प्रकार का प्रारूप आना है जिसमें सिर्फ कार्मिक होंगे और आपको ये स्थान दे के नीचे सेव पे क्लिक करना है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत हरियाणा राजस्थान, जैसा कि आपको बताया, एक पेड़ माँ के नाम, 1 करोड़ पौधारोपण किए जाने का लक्ष्य यहाँ है। और इसके साथ ही जब आप जियो टैगिंग करते हैं तो प्रशस्ति पत्र भी डाउनलोड होता है, 51 लाख प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पर 1 करोड़ का लक्ष्य है पौधों का, और आप जियो टैगिंग करते हैं तो आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। इसके अंदर एक ऐप आया हुआ है जो कि APK फाइल है, और एक लिंक भी आया हुआ है। कुछ कार्मिकों के ऐप वर्क नहीं करना है तो आप यहाँ जो डायरेक्ट लिंक दिया गया है उससे भी कर सकते हैं। हेलो राजस्थान ऐप और इसका डायरेक्ट लिंक दोनों ही आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर देने होते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ कैप्चा आएगा जो आपको यहाँ एंटर करना है, 3307। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है और नीचे आता है पेड़ जोड़ें, और उसके बाद नीचे प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करें। जब आप एक पौधा भी लगा लेंगे तो प्रशस्ति पत्र डाउनलोड हो सकेगा। पौधारोपण इतिहास, यहाँ आपने जितने पौधे लगाए हैं वो डिटेल आ जाएगी, पुरस्कार अंक आपके वो भी आ जाएंगे। पेड़ जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आगे की प्रक्रिया होगी। पेड़ जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पौधारोपण छवियाँ कैप्चर करें। 2 छवियाँ यहाँ दी गई है, यानी कि 2 फोटो आपको लेनी होती है। पहले स्थल तैयारी की, पहले पे क्लिक करेंगे यहाँ तो आपको जो गड्ढा खोदा है आपने वो आपको यहाँ उसकी फ़ोटो लेनी है। दूसरा है पौधारोपण, जो आपने पौधा लगाया है उसकी, तो पहले गड्ढे की होती है फ़ोटो, उसके बाद जो पौधा आपने लगाया है उस पौधे का नाम आपको यहाँ देना है, और उसके बाद यहाँ निजी या व्यक्तिगत, तो यहाँ सरकारी है तो सरकारी करेंगे। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई यानी कि वो आपको यहाँ देनी है, और उसके बाद यहाँ लोकेशन आ जाएगी। जब आप लोकेशन देंगे, दोनों फ़ोटो जब सबमिट करेंगे उसके बाद ही यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लोकेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि सर्वर की एरर हो सकता है कि आपके 4G चल रहा हो, उस कंडीशन में भी कई बार नहीं आता है, 5G फ़ोन है 4G चल रहा हो, तो इसे अच्छे चेक करेंगे, सबमिट करेंगे तो ही ओपन होगा। इसका ऐप का लिंक और इसका डायरेक्ट वेबसाइट लिंक है, दोनों ही टेलीग्राम में शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। सर्वर इशू है, बहुत सारे मोबाइल में ये चल भी नहीं रहा है, काफ़ी दिन से आप प्रयास भी कर रहे हैं तो आप बार बार प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, उसका कोई शॉर्ट और लिंक नहीं है कि इजीली ये चल पाए। धन्यवाद।